I'm a big beef guy. So, अभी भाई ब्रह्मास को लेके एक और बुरा न्यूज निकल के आ रहा है कि ब्रह्मास को लोग बस सोशल मीडिया पे ही वॉकआउट वॉकआउट कर रहे थे कि हाँ इस फिल्म को हम लोग नहीं देखने जाएंगे, इस फिल्म को हम लोग बहिष्कार करते हैं। बट ये सीन अब जस्ट सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गया, ये अब सारी चीजें हम सबको ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रही है। इसके लिए हुआ ये है, कल ब्रह्मास की टीम मीन्स रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, इस फिल्म को जो डायरेक्टर है आयान मुखर्जी, ये तीनों को भाई उज्जैन मंदिर जाना था, मीन्स महाकाल का दर्शन करने के लिए जाना था। वहां एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट हो गया, महाकाल के मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग भाई इकट्ठा हो गए और इस फिल्म का बहिष्कार करने लगे। लोगों का ये चीज कहना था कि हम लोग भाई रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को महाकाल का दर्शन नहीं करने देंगे। इस वजह से रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को महाकाल का दर्शन नहीं करना पड़ा, सिर्फ इस फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी जाके महाकाल का दर्शन। तो आखिर रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को महाकाल का दर्शन क्यों नहीं करने दिया वहां के लोग? वो लोग का ये चीज कहना है, कुछ दिन पहले रणवीर कपूर का एक स्टेटमेंट दिया था, यू नो आई गेस माय फैमिली इज फ्रॉम पेशावर, सो लॉट ऑफ पेशावरी इन्फ्लुएंसेस इन द फूड हैज आल्सो कम विद दैट, यू नो आई गेस माय फैमिली इज फ्रॉम पेशावर, सो लॉट ऑफ पेशावरी इन्फ्लुएंसेस इन द फूड हैज आल्सो कम विद दैट। आई एम अ मटन पाया बीफ, रेड मीट, आई एम अ बिग बीफ गाय, आई एम अ बिग बीफ गाय। So, यही स्टेटमेंट अभी सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो बहुत सारे लोगों को भाई हर्ट कर रहा है। अगर मैं पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं ना, ये चीजें कितनी सही और कितनी गलत है। सबसे पहले सही की बात करते हैं यार, देखो भगवान सबके हैं, गलती इंसान से हो जाती है। आज से 10 साल पहले तुमने क्या स्टेटमेंट दिया हुआ था ये तुम्हें भी नहीं पता है। सर तो ये है कि जब भी हम लोग कोई चीज स्टेटमेंट देते हैं, एक नॉर्मल इंसान के मैं बात बता रहा हूं, उस स्टेटमेंट को कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। हम लोग कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं भाई, कभी भी कोई गुस्सा होता है तो बहुत लोग भाई भगवान को भी उल्टा पुल्टा चीजें बोल देता है, बट वो चीजें भाई कैमरा में कैप्चर नहीं होता है। बट अगर वही चीजें अगर कोई स्टार भाई स्टेटमेंट दे देता है तो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है, कैमरा में कैप्चर हो जाता है। सो ये चीजें मुझे लगता है कि गलत है। बट हाँ एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि रणवीर कपूर को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों का भाई सेंटिमेंट जुड़ा होता है। रणवीर कपूर एक आम इंसान नहीं है, रणवीर कपूर एक सुपरस्टार है, तो सुपरस्टार को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, इस बात में भी सच्चाई है। बट एक स्टेटमेंट की वजह से भाई भगवान के दर्शन नहीं करने देना, ये भी गलत है यार, क्योंकि भाई महाकाल सबके है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी महाकाल के दरबार में आ गया तो महाकाल भाई सबके हैं। लेकिन एक चीज और, बॉलीवुड वाले लोग का ना बहुत मतलब बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट तुम बोल सकते हो, जब भी उनकी फिल्म आती है तभी वो लोग को भाई भगवान की याद आते हैं, तभी वो लोग को पब्लिक की याद आती है, तभी वो लोग कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ करने लगते हैं। सो ये चीज एक छलावा लगता है भाई। मैं टू दो पॉइंट बोल रहा हूँ यार, ऐसा तुम लोग मत समझना कि मैं ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट का सीन क्रिएट कर रहा हूँ। जो भी लोग को थोड़ा भी डाउट लगता है, प्लीज आके एक बार मेरा ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिव्यू वाला वीडियो को जरूर देख लेना यार। सो बैक टू पॉइंट, यहां आते हैं जो बॉलीवुड वाले जो झूठ मूठ का पूजा पाठ करते हैं, ये टोटली ढोंग लगता है यार, सीरियसली। क्योंकि पता है कुछ दिन पहले ये लोग उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देंगे, आई लव बीफ एंड फलना ठीक है ना, फिर उसके बाद वो लोग भाई वही भाई भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है तभी, क्योंकि अभी वो लोग को पता है कि लोगों का माइंडसेट क्या है। अभी वो लोग टोटली लोगों का माइंडसेट को ना ऐसे डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग भाई जागरूक हो गए, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में लाल सिंह चड्ढा के साथ एक रमीर खान ने पीके में जो गलती किया हुआ था, वो गलती की वजह से लोगों ने भाई इस फिल्म का इतना तगड़ा बहिष्कार किया। बहिष्कार छोड़ो भाई, फिल्म में दम भी नहीं था, सबसे बड़ा रीजन ये भी था, इस वजह से भाई वो फिल्म नहीं चली। बट हाँ वो अगर कुछ हद तक असर किया हुआ था सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, वही चीजें अभी ब्रह्मास्त्र के साथ भी हो रहा है। रणवीर कपूर का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है बीफ वाला, और इस फिल्म को लेके अब भाई सोशल मीडिया पे सिर्फ लोग वॉकआउट नहीं कर रहे, ग्राउंड लेवल पे भी लोग वॉकआउट कर रहे हैं। और खासकर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ब्रह्मास्त्र की टीम वाले ये प्रमोशन का जो भी स्ट्रेटेजी लोग अपना रहे हैं वो किसी एंगल से काम करने वाला है। एक तो पहला महाकाल का जब ये लोग दर्शन करने गए वो फ्लॉप हो गया, दूसरा ये लोग बहुत स्टार लोगों से भाई मिल रहे हैं, साउथ के एक्टर लोगों से इनफैक्ट काफी ज्यादा ये लोग मिल रहे हैं कि साउथ के एक्टर लोगों से मिलेंगे तो भाई थोड़ा सा सिंपथी अभी साउथ के एक्टर लोगों के साथ नॉर्थ साइड के लोगों का काफी ज्यादा है, तो नॉर्थ साइड के लोग का भी भाई थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया इस फिल्म को लेके, साथ साथ साउथ साइड के लोग भी भाई इस फिल्म को देखने आएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी ये स्ट्रेटेजी काम करने वाला है, क्योंकि लास्टली भाई मैं अभी भी तुम लोगों को बोल रहा हूं, अगर फिल्म में दम होगा तभी ये फिल्म चलेगा, चाहे लोग कितने भी हाथ पैर मार ले, कहीं भी भाई
प्रमोशन करा ले, किसी से भी प्रमोशन करा ले। बेस्ट एग्जांपल रणवीर कपूर के अभी हाल फिलहाल में समसेरा फिल्म आया हुआ था, रणवीर कपूर कितना हार्ड लेवल पे प्रमोशन किया था भाई, एकदम ग्राउंड लेवल पे जा जाकर प्रमोशन किया था, लेकिन फिर भी भाई वो फिल्म नहीं चली क्योंकि भाई फिल्म में कंटेंट ही नहीं था यार। इससे सीखने को क्या मिलता है भाई? प्रमोशन ठीक है, थोड़ा बहुत प्रमोशन करना चाहिए हर फिल्म का, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अभी के टाइम में कंटेंट पे, क्योंकि हम सब ने इसका बहुत बड़ा बड़ा एग्जांपल देख लिया है। सबसे पहले कश्मीर फाइल्स को ले लो, उस फिल्म का प्रमोशन ही नहीं हुआ था, फिर भी वो फिल्म ने भाई 350 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया। दूसरा उसके बाद अपना पुष्पा आता है, पुष्पा का ले लो भाई, पुष्पा को भाई हिंदी बेल्ट में 700 के आसपास स्क्रीन मिल रहे थे, फिर भी वो फिल्म ने भाई 100 करोड़ कलेक्शन कर लिया। और एक और अभी हाल फिलहाल में फिल्म आया था कार्तिकेय 2, वो फिल्म का हिंदी बेल्ट में पता है कितने स्क्रीन मिले थे? जस्ट 50 स्क्रीन मिले हुए थे हिंदी बेल्ट में, लेकिन फिर भी अभी के टाइम में वो फिल्म धीरे 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 40-45 करोड़ का भाई कलेक्शन कर लिया हुआ है। हिंदी बेल्ट से बात बोल रहा हूं यार, और ऑल ओवर इंडिया तो भाई वो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गया। तो अभी के टाइम में भाई कंटेंट मैटर करता है, ना कि आप मंदिर में जाके अपना दर्शन करो या फिर दरगाह पर जाकर अपना माथा टेको। पब्लिक है, सब जानती है, भगवान से यही प्रे कर रहा हूं भाई ब्रह्मास का कंटेंट अच्छा हो, लोगों को पसंद आए तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो तुम लोग बताओ तुम लोग इस पे क्या कहना है, अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम्हें जरा भी पसंद आया प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज मेरा भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और लास्टली मेरे से बात करना चाहता हूँ आ जाए यार, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, हर चीज का लिंक भाई तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहीं आओ मैसेज करो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।